So, good morning students. I'm a computer teacher and we will discuss about adding MS Word 2016. So, we will discuss about MS Word 2016. It's an application software. It's an application software. पता होगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है. जो भी एप्लीकेशन हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं उसे एप्लीकेशन कहा जाता है. तो ये सॉफ्टवेयर है यूज़ फॉर वर्ड प्रोसेसिंग. तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके इस्तेमाल किया जाता है वर्ड को बनाने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी अक्षर को लिखने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. इसका आविष्कार किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने इस्तेमाल किया, इसका आविष्कार किया था. इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड. इसको हम ज़्यादातर इसका वर्ड यूज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. इस प्रोग्राम को दैट हेल्प्स क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ये इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है, अगर उसमें कुछ एडिट करना है, कुछ गलत को सही करना है, तो उसके द्वारा हम उस पैराग्राफ को, उस डॉक्यूमेंट को, उसके वर्ड को, उसके पैराग्राफ को हम चेंज कर सकते हैं किसी सहायता से, वर्ड की सहायता से. सो स्टार्टिंग वर्ड 2016. तो वर्ड 2016 कैसे स्टार्ट किया गया था इसको हम बताते हैं आपको. सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लिक ऑन इसका ऑप्शन पर क्लिक ऑन. फर्स्ट ऑप्शन स्टार्ट ऑल एप्स विद वर्ड 2016. जैसे हम वर्ड 2016 क्लिक करते हैं तो द स्टार्ट स्क्रीन ऑफ वर्ड 2016 अपीयर्स नोन एज बैक स्टेज. जैसे हम इसका क्लिक करते हैं इसका ऑप्शन आता है बैक स्टेज व्यू भी क्या आता है. इन बैक स्टेज व्यू यू कैन क्रिएट न्यू सेव ओपन. इसमें ऑप्शन आता है न्यू सेव और ओपन का ऑप्शन आता है और प्रिंट का ऑप्शन आता है, शेयर डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन. और साथ में क्या आता है, शेयर डॉक्यूमेंट. मतलब जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट को अगर हम चाहें उस डॉक्यूमेंट को हम सेव भी शेयर भी कर सकते हैं. और उसके साथ डॉक्यूमेंट एंड सो ऑन. क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट फॉर दिस कम्युनिकेशन क्लिक ऑन द ब्लैंक डॉक्यूमेंट. सबसे पहले अगर हम किसी न्यू डॉक्यूमेंट को खोलना चाहते हैं सबसे पहले क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर. जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वर्ड विल ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विद द टेंपरेरी नेम डॉक्यूमेंट 1. जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट 1 के नाम से एक सादा जो डॉक्यूमेंट होता है नेम डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन ऑन द स्क्रीन इज नोन एज द कर्सर. और जो उस डॉक्यूमेंट पर एक लाइन की जैसे ब्लिंक करता रहता है, जलता बुझता रहता है जो लाइन, उसे कहते हैं कर्सर. वो उस कर्सर के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा लाइन जो है यहाँ से हमें अपना टेक्स्ट को लिखना है. सो एज यू स्टार्ट टाइपिंग द कर्सर ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू द राइट. और ये जैसे जैसे हम लिखते हैं ये आगे की तरफ राइट की तरफ खिसकता जाता है. जैसे जैसे हम लिखना शुरू करते हैं हमारे वर्ड को वैसे वैसे ये दाहिने साइड में खिसकता जाता है. वी कैन इंटर टेक्स्ट ऑन द सेम स्क्रीन. और जैसे ही हम इंटर मारते हैं वो नीचे एक लाइन छोड़कर आगे चला जाता है और एक स्पेस आ जाता है नीचे. इसके टेक्स्ट के बाद एक स्पेस आता है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, और वहाँ पे एक और नया डॉक्यूमेंट इंटर होता है. उसके बाद इंटरिंग द टेक्स्ट. अब जैसे कि अगर हमें कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले कर्सर का यूज करेंगे. और सबसे पहले जैसे कोई पैराग्राफ में हमें लिखना है कोई टेक्स्ट को, जैसे कि धर्मेंद्र जैसे लिखा है कि राम इज अ गुड बॉय, वहाँ पे इज नहीं लिखा हुआ है तो हम गुड के पहले इज लगाएंगे. इज के वहाँ पे कर्सर रखेंगे, गुड के पहले कर्सर रखेंगे, वहाँ लिखेंगे इज, तो वहाँ पे आपका वो लाइन कंप्लीट हो जाएगा. वैसे ही व्हाट इज एडिटिंग. एडिटिंग क्या है, एडिटिंग में जैसे कि हम वर्ड डाल रहे हैं या कुछ न्यू किसी न्यू वर्ड को डाल रहे हैं किसी पैराग्राफ में, उसे कहते हैं एडिटिंग. तो सिलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग माउस, सिलेक्टिंग द टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड. इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं माउस को, सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट यूजिंग कीबोर्ड को यूज करते हैं इसके लिए. एडिटिंग सबसे पहले क्या करते हैं, टेक्स्ट को यूज करते हैं. टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं, बताया अभी आपको, अगर लिखा है राम इज अ गुड बॉय और उसमें ए गायब है तो ए की जगह पर हम कर्सर रखेंगे और वहाँ पे लिखेंगे ए, तो वहाँ पे वो टाइप हो जाएगा. सिलेक्टिंग द टेक्स्ट की यूजिंग, जैसे कि अगर हमें कीबोर्ड से लिखना है तो कीबोर्ड से भी हम यूज कर सकते हैं. जहाँ पे हमारा वर्ड गायब है, वो ए गायब है या इस गायब है, वहीं पर
का नाम कि वो आपने कर्सर को ले जाएंगे, इसके सहायता से जो राइट एरो और लेफ्ट एरो होता है उसकी सहायता से हम उसको आगे की तरफ ले जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, जैसे इंटर करेंगे वहाँ पे आपका वो वर्ड लिखना शुरू करेंगे इस, तो वहाँ पे तो आपका स्क्रिप्टिंग द यूज ऑफ कीबोर्ड हो जाएगा। स्टेप द इंसर्ट मोड फॉलो टू द स्टेप्स। तो स्टेप वन क्या है इसका, राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार। सबसे पहले उसका क्या है, फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन द स्टेटस बार। सबसे पहले हम स्टेटस बार में राइट क्लिक करेंगे, द कस्टमाइज स्टेटस बार मेनू अपीयर्स। उसके बाद जैसे हम राइट क्लिक करेंगे तो वहां पे एक बार आएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। सेकंड स्टेप, क्लिक ऑन द ओवरटाइम ऑप्शन। वहां पे सबसे पहला ऑप्शन होगा ओवरटाइम। सबसे राइट क्लिक करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा ओवरटाइम, तो क्लिक करेंगे तो इंसर्ट ऑप्शन अपीयर्स ऑन द स्टेटस बार व्हिच शो दैट द इंसर्ट मोड इज सिलेक्टेड। इंसर्ट मोड सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिखने लगेगा। स्टेप थ्री, प्लेस द पॉइंटर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर वेयर यू वांट टू इंसर्ट न्यू टेक्स्ट। प्लेस द पॉइंटर टू द राइट ऑफ द कैरेक्टर, सबसे जहां पे आपको राइट कैरेक्टर को चेंज करना है वहां पे आप राइट कर्सर को डालेंगे। जैसे कैरेक्टर कर्सर को डालेंगे आप वहां पे न्यू टेक्स्ट को लिख सकते हैं। टाइप द न्यू टेक्स्ट एंड ऑब्जर्व द चेंज। और वहाँ पे जैसे ही आप कर्सर रखेंगे राइट कर्सर को वहाँ पे उस जगह पर, और जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे आपका वो टेक्स्ट चेंज हो जाएगा वहाँ पर। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट स्टूडेंट्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।